आज देवास के इंदिरा गांधी सिविल लाइन चौराहे पर कुछ लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि देवास के जिला चिकित्सालय में रोजड़ी निवासी शुभम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसको लेकर परिजनों ने एवं ग्रामीण के लोगों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान एसडीएम बिहारी सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत। रात को 2 बजे, कल की बात है, 2 बजे दोपहर को 2 बजे और शाम से परसों से तो सुबह का हमने बोला 5 बजे, मामो साहब 5 बजे बजाओ, कुत्ता चुप रहे, चुप रहे, मत चिल्लाए, उसको तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, ब्लड चढ़ेगा तो हमने क्यों भैया, इसको घबराहट हो रही थी, इसको करो इलाज, काय के लिए नहीं करा, अभी हमारी बिकिया तो का माँ बाप का कौन पाला था, आप पहचानो नहीं डॉक्टर के, फोन से बात कर रही थी, सही है शुभम का, उसकी मौत हो चुकी है यहाँ पे, 18 उम्र थी उसकी, उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई यहाँ पे। कहाँ का रहने वाला था और क्या बीमारी थी उसको? रोजड़ी का रहने वाला था, उसको नॉर्मल बीमारी थी, बुखार। कब से भर्ती था देवास जिला अस्पताल में? वो तो परसों के दिन ही आए थे। हाँ, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। क्या हुआ आज, क्या हुआ, कैसे मौत हो गई? आज इसको बटन लगाई और बटन निकाल दी उन्होंने, उसके बाद उसकी मौत। अच्छा, अभी आपने चक्का जाम करा, कितने साल में चक्का जाम कर रहे हो, कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? अभी यहाँ पे अधिकारी नहीं आ रहे, इसलिए हमने जाम किया। कब तक लगा रहेगा आपका ये चक्का जाम? ये लगा रहेगा जब तक सुनवाई नहीं होगी। क्या मांग आपकी, क्या चाहते हैं? हाँ, यही कि क्यों नहीं हो रहा है इलाज। अच्छा, अभी एसडीएम साहब आया तो अभी आपकी क्या चर्चा हुई, अभी क्या बोल रहे हो आपसे वो? अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी इसलिए वापस जाम लगाया हमने। आपका क्या नाम है? प्रदीप। क्या लगते हैं आप मृतक के भाई है?